जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी चैप्टर वाइज मैथ, जिसमें आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है, जिसमें देखिए पहले का दो क्लास हो चुका है, जिसमें हम 22 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितना? 22 क्वेश्चन। आज 23 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक, देखिए दिया है कि 0.02, 0.04 और 1.0204 के गुणनफल में, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, यानी इसका जब गुणा कराएंगे, जहां दशमलव लगाएंगे उसके बाद में कितना अंक होगा, यही निकालना है। तो देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगता है, 3 अंक इसमें है और इसमें कितना अंक है, 4 अंक है ना। सब मिलाकर 4, 3, 7 अंक पर दशमलव लगेगा। कितना अंक पर लगेगा, यानी यहाँ कोई अंक होगा फिर यहाँ दशमलव लगेगा क्या, उसके बाद 7 अंक होगा। कितना अंक होगा? 7 अंक होगा, यानी दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 4, 7 अंक होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि जेड का वर्ग ज्ञात करना। क्या निकालना है हमको? जेड का वर्ग निकालना है, इसका मान निकालना है। देखिए जेड क्या है, जेड है कि 24 और 36। कितना? 24 और 36 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 24 और 36 से कटने वाला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 40 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 40 से भाग देते हैं तो जेड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जेड प्राप्त होता है। सबसे पहले हम 4 अंकों को छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 24 और 36 से विभाज्य हो। इसको निकालने के लिए सबसे पहले 24 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 24 और किसका? 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक, तो 24 और 36 का एलसीएम कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72 हो गया, यानी 24 और 36 से कटने वाला संख्या कौन हो गया? 72 हो गया। लेकिन हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है ना, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए कैसे निकलेगा। 1000 में क्या करेंगे? 72 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 72 से भाग दीजिए। एक बार में जाएगा ये 72 हो जाएगा। ठीक, ये 8 में से 10 में से 2 जाएगा कितना? 8। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बार, 4 बार में, 4 बार में ले आते तो कट जाता, 4 बार में नहीं 3 बार में जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। तो 3 दुना 6 और 7 तरीके कितना? 21। 7 तरीके 21। 10 में से 6 जाएगा कितना जाएगा? 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, ये कट गया ना, आया कितना? 64। हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी से छोटी संख्या देखिए इसका अंतर निकाल कर उसमें जोड़ देते हैं। 72 में से 64 जाएगा, अंतर कितना का रहा है? कितना का रहा है जी? 6 इधर 8, यानी 8 का अंतर हो रहा है ना, तो 1000 में क्या करेंगे? 8 को जोड़ देंगे, यानी 1000 में, 1000 में क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, उस संख्या कितना जाएगा? 1008 हो जाएगा। कितना आएगा? 1008 हो जाएगा, यानी 24 और 36 से कटने वाला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1008 है। अभी जेड का मान प्राप्त नहीं हुआ, अब बोला है कि इसमें 40 से भाग देते हैं तब जेड का मान प्राप्त होता है। तो कटने वाला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1008। अब इसमें 40 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 40 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही जेड का मान है। तो 1008 में 40 से भाग देंगे, 40 से दूना कितना होता है? 80 होता है। ठीक, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 उतार देंगे। अब 40 बचे 200, कितना? 200 हो गया। शेष कितना बचा? 8। जो ये शेष बचा है ना, यही जेड का मान है। किसका मान है? जेड का मान है। हमको जेड का स्क्वायर निकालना है ना, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना? 64 होता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 64, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में दिया है। समझ में आया? इसी प्रकार अगला देखिए, अगला सवाल है हमारा कि 50 और 80, कितना? 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद है, यानी 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए 50 और 80 के बीच में निकालना है ना, तो 50 के बाद से देखिए कौन होगा, 50 के बाद से होता है 53। कौन आएगा? 53। कौन? 53। 54 नहीं होगा, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58, 59 है। कौन आएगा? 59। 59 के बाद से कौन आएगा? 61। कितना? 61। 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं, 66 भी नहीं होगा, 67 होगा। कितना? 67 होगा। 68 नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा। कितना? 71। 72 नहीं होगा, 73 होगा। कितना? 73 होगा। 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79, 79 भी होगा। यानी कितनी संख्या हो रही है? 50 और 80 के बीच में कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 7 को। कितना? 7 को। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा कि कौन सी संख्या 23, 10 के सभी गुणकों का योग क्या दिया है? कौन सी संख्या 2310 के सभी गुणकों के योग में से एक कम है?
इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है और उसको जोड़ देना है, जोड़ में से क्या करना है एक माइनस कर देंगे सभी गुण को, मतलब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, यानी 23 10 इसको तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा 2 का नाम 2, 15 दो 30, 5 तीन 10, ठीक है। फिर 3 से कटेगा 3 3 9 3 3 9 25, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद से कट रहा है 21 से 5 से, 5 7 35, 5 7 35 से 5 7 35, फिर 7 से कट रहा है ना 7 से 11 बार में, फिर 11 से एक बार में। इसके गुण कौन कौन आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और कितना 11। अब बोला है कि सभी गुणकों के योग में से एक कम है, सबसे पहले गुणकों को जोड़ेंगे यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितना 11, ये गुणकों का योग होना योग हो गया ना। अब योग में से एक कम है, ये क्या करना है माइनस करना है, कितना करना है एक माइनस करेंगे, गुणकों को जोड़ लेंगे एक कम बोला है तो एक को क्या करेंगे घटा देंगे, जोड़िए तो 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और कितना है 17 और 11 है ना, 17 11 कितना होता है 28, कितना 28 होता है, 28 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, कितना 27 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में सी में दिया है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि यदि यदि P और Q, यदि P और Q एक संख्या, एक संख्या कितना 72 8 PQ को दो एकल अंकीय संख्या प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार है कि एकल अंकीय प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि 80 से क्या विभाज्य है, तो P गुणे की Q का मान निकालना, क्या निकालना है P गुणे Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए एकल संख्या वाला मतलब इस संख्या का मान अलग है, इस संख्या का मान भी क्या है अलग है, यानी अलग अलग दोनों का मान दिया है, यानी 72 8 और PQ, ये संख्या किससे विभाज्य है 80 से विभाज्य है ना, कितना से विभाज्य है 80 से विभाज्य है। एक बात समझिए यहाँ पे, ये संख्या 80 से विभाज्य है ना, तो 80 से कट आए ना, तो 80 में लास्ट में क्या है 0 दिया, तो फिक्स है क्यू का मान क्या होगा 0 ही होगा, क्यू का मान क्या होगा 0 होगा, यानी पी गुणे की निकालना है, पी का मान कुछ भी आए और क्यू का मान 0 रखेंगे तो ये सब का मान दोनों का मान पी इंटू क्यू का मान कितना जाएगा 0 जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं, ऐसे हल कर लीजिए, जैसे देखिए अगर P का मान निकालना चाहते हैं देखिए कैसे होगा, Q का मान तो 0 हो गया तब की संख्या 0 से 0 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 72 8 P। अब इसका मान 0 है तो 0 हटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, नहीं बचा है क्या 8, 8 से संख्या कट रही है ना, तो 8 से कब कटेगी, 8 का भी होता है कि नियम होता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए, तो 8 से भाग देंगे अंतिम 3 अंक में 2 8 और P में, ठीक। तो 2 2 8 P में 8 से भाग देंगे तो 8 3 24 कितना 24 हो गया, घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, P का मान क्या रखे कि पूरा पूरा कर दे, P का मान कितना रखना पड़ेगा 8, तभी ना 8 6 48 हो जाएगा, P का मान रखेंगे 8 तो 8 6 12 में कट जाएगा 48 आ जाएगा, नहीं पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी P का मान कितना रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, यहाँ वही है देखिए तो P का मान 8 हो जाएगा, Q का मान कितना हल करेंगे तो कितना आएगा 0, जो ऑप्शन नंबर किस में बी में था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, यदि सवाल है कि एक्स 2 और 3 से विभाजित, एक्स किससे विभाज्य है, एक्स जो है 2 और 3, 3 और 2 दिया है ना, 3 और 2 दोनों से विभाजित है, 3 और 2 दोनों से विभाज्य कौन संख्या है 6 है, कौन सबसे छोटी संख्या यही होगी ना, 6 जो 2 और 3 से कट जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए मान किसका निकालना है 2xq, किसका 2xq प्लस 3x2 प्लस 3x2, मतलब ये दे दिया है बोला है कि निम्न से किससे विभाज्य, किससे विभाज्य, मतलब x का मान इसमें रखेंगे जो मान आएगा वो पूछा है ना जी इसमें से किससे कट जाएगा, देखिए 2 है तो 2, x का मान कितना 6 रखना पड़ेगा प्लस 3 गुणे x2 मतलब 6 स्क्वायर, देखिए 2 गुणे 6 का क्यों कितना होता है 216, कितना 216 होता है, फिर 3 गुणे 6 का बार कितना होता है 36, 16 दुने कितना होगा 432, ये 216 है ना, 16 दुना 32 2 दुना 4 नहीं 400 कितना आएगा 32 आएगा प्लस 36 तीन कितना होता है 108 होता है, जोड़ेंगे तो 400 400 एक 500 540 हो जाएगा, कितना 540 आएगा, 540 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो देखेंगे 540 किससे कट रहा है, यानी 540 इसमें कौन है जो 540 को काट दे रहा है, तो 540 को काटने वाला एक ही है ऑप्शन नंबर ए जो 108 से कट जाएगा, यानी 540 का गुणनखंड क्या है 108 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, 108 से क्या कट जाएगा ये 540, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अगला सवाल है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की जितनी संख्या है उसकी संख्या पूछा है, यानी पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10 से, कहाँ से 10 से, कहाँ तक होती है 99 तक, कहाँ तक 99 तक, और किससे कटने के लिए बोला है 6 से कटने के लिए बोला है ना, तो हम क्या करेंगे 10 में भी 6 से भाग देंगे
और 99 में क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, दोनों में 6 से भाग देकर शेष निकाल, शेष बोलो भागफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे भागफल निकालेंगे। तो 10 में 6 से भाग देंगे कितना बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। देखिए हमको भागफल, भागफल से मतलब शेषफल कितना ही बचे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी 10 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा ना। अभी इसमें भाग देंगे तो 6 से 99 भाग देंगे तो 16 6 96 कितना आएगा, 16 बार जाएगा, कितना 16 आएगा। 6 से 99 भाग देगा चेक कर लिए कितना बार जाएगा, 16 बार, यानी एक यहाँ कितना है, एक आया यहाँ कितना, 16। बस इसका अंतर निकालेंगे, बड़ काम से छोटका घटा देंगे, 16 माइनस है कितना आ जाएगा 15, कितना 15, यानी दो अंकों की कितनी संख्या है 15 संख्या है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। इसी प्रकार आगे आगे है कि 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 7 प्लस 3 के पावर कितना 8, ये दिया है ना, से पूर्णतः विभाज्य, क्या निकाला है पूर्णतः विभाज्य, कौन किससे मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, बस कॉमन कर लेते हैं, जो छोटा घात रहा था उसको कॉमन कर लेते हैं, 3 के पावर क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे, 3 के पावर 5 निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 भी निकल गया यानी 3 ही खाली बचा, ये 3 के पावर कितना बच गया 2, यहाँ 3 के पावर कितना 3 बच गया। ठीक, आगे इसी प्रकार हल करेंगे, 3 के पावर कितना आ जाएगा 5, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, कितना 3 3 9, 3 के पावर 3 का मान कितना होता है 27 होता है, कितना 27 होता है। तो 3 के पावर 5 है तो 5 गुणा का चिन्ह 3 1 4, 9 4 कितना होता है 13, 9 4 13, 13 27 कितना 40 होता है, कितना 40, यानी 3 के पावर 5 गुणा 40 आ गया। अब 40 देखिए इसमें किससे कट रहा है, 40 किससे कट जाएगा 10 से कट जाएगा, किससे 10 से कट जाएगा, यानी जो है पूरा पूरा किससे विभाज्य होगा 10 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि यदि ए और बी, क्या ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है अभाज्य संख्या है, तो निम्न निम्न में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता है, क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, जहाँ ए और बी विशिष्ट अभाज्य संख्या है, विशिष्ट अभाज्य संख्या नहीं, क्या है ए और बी अभाज्य संख्या है ना, ए और बी का कौन सा योग नहीं हो सकता। सबसे पहले यहाँ देखिए ए और बी, ए और बी है ना, अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 13 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्या है ना। सबसे पहले 28 पर चेक करिए, 28 इसमें किसी के जोड़ने पर 28 हो रहा है, अब यहाँ देखिए तो 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी इसका योग क्या हो सकता है, योग हो सकता है, 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा ना, 10 का देखिए तो 10 का 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 भी हो जाएगा, यानी ये भी क्या योग हो रहा है, ये भी ऑप्शन क्या नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 14 देखिए तो 13 तो 11 3 14 होता है ना, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 14 हो जाएगा, 11 में 3 तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो गया, ये भी योग हो जा रहा है। और 6 देखिए तो 6 कैसे भी जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 2 5, 5 में 1 तो जोड़ना नहीं है, देखिए 6 नहीं हो पाएगा ना कभी भी, यानी आभास ए और बी के योग कभी भी 6 नहीं हो सकता है, और ए और बी का मान क्या रखना था, आभास संख्याएँ रखना था, आभास संख्याएँ यही होती है, इसमें किसी का दो चीज़ को जोड़ेंगे तो कभी 6 नहीं हो सकता है। आगे आगे प्रश्न की 36 और 45 से, 36 और किससे 45 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 से, क्या 10,000 में घटाया जाता है तो परिणाम ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 4 × 9 को 4 × 9 ये ना 9,999, इसमें क्या 36 और 45 से कटने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे पहले 36 और 45 का एलसीएम निकालिए, 36 और 45 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा 180, कितना 180, एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा, 180 में इसे भाग दीजिए, 180 में भाग देंगे 4 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा जो 36 और 45 से कट जाए, तो 80 18 5 90 900 हो गया ना 99, फिर 9 हो गया ना 18 5 90 कितना हो गया 900, शेष कितना है 99 है, 99 अधिक हो रहा है ना, तो 999 से 99 घटाए जाएंगे तो कितना आएगा 999 में से हम क्या करेंगे 99 माइनस करेंगे, यानी जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, 0 हो गया 0 हो गया 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, यानी 9,900 आ रहा है ना, यानी 36 और 45 से कटने वाला 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है 9,900। अब बोला है कि संख्या को कितने में से घटा रहा है, यानी 4 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना जो 36 और 45 से कट रही है उसको 10,000 में से घटाना है, किसे घटाना है 10,000 में से घटाना है, तो कितना घटाने पर आएगा 10,000 में से कितना घटाना है 9,999 घटाना है ना,
10,000 में से 9,900 घटेगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। कितना, 100 आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। किस में, डी में दिया है। इसी प्रकार देखिए अंतिम प्रश्न है हमारा कि यदि यदि संख्या 715 यहाँ स्टार का चिन्ह लगाया है, 4, 2, 3, 3, 2, 4 ये तीन से पूर्णतः विभाजित, किससे विभाजित, तीन से पूर्णतः विभाजित, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी, यानी स्टार का क्या सबसे अधिकतम मान निकालना है। सबसे पहले क्या स्टार का अधिकतम मान लिखना है, तो यहाँ देखिए कौन क्या अधिकतम मान हो सकता है। सबसे पहले तीन के विभाजक नियम देखिए क्या होता है, तीन के विभाजक नियम होता है कि अगर अंकों का योग तीन से कट रहा है तो संख्या तीन से क्या कट जाएगी, तो अंकों का योग सबसे पहले देखेंगे तीन से कटने वाला कौन, 4, 2, 6 होता है कट जाएगा, 3 होता है कट जाएगा, 4, 2, 6 होता है कट जाएगा, 5, 1, 6 होता है भी कट जाएगी, 7 प्लस क्या स्टार आ गया, 7 प्लस क्या हो गया स्टार आ गया। अब स्टार का अधिकतम मान रखना है ना, तो सबसे पहले यहाँ स्टार का मान क्या क्या हो सकता है, स्टार का मान हम 2 रखेंगे, 7, 2, 9 3 से कट जाएगा ना, स्टार का मान 2 भी हो सकता है, स्टार का मान कितना 5 भी हो सकता है, स्टार का मान कितना 5 भी हो सकता है, स्टार का मान 5 रखेंगे तो 7, 5, 12 भी 3 से कट जाएगा, स्टार का मान 8 भी हो सकता है, क्या 8 भी हो सकता है, तो 8, 7, 15 भी क्या 3 से कट जाएगा, यानी स्टार के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं, लेकिन हमसे बोला है क्या स्थान पर सबसे बड़ी, यानी स्टार का मान क्या अधिकतम लेना है, यानी सबसे बड़ी लेना है, सब में सबसे बड़ा कौन है, 8 है ना, नहीं आप 8 क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ए में दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।